नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हम आपको डिफरेंट एक सकुलेंट प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सेनिसियो। आप देखिए, ये सेनिसियो स्टेपलीफॉर्मिस जो ये प्लांट है, ये प्लांट इसको कई बार क्लीनिया स्टेपलीफॉर्मिस भी बोल देते हैं। तो ये प्लांट जो नेटिव है साउथ अफ्रीका का है, ये इसको कभी कभी पिकल प्लांट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी ये देखिए पेंसिल लाइक स्टेम्स है, ये पेंसिल की तरह ऊपर उठ के, और इनके फ्लावर्स देखिए आपकी टोटली डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करके इसके फ्लावर्स को स्पेशली दिखाएं, टोटली डिफरेंट प्लांट है ये। ये स्टेम्स पहले तो इसमें इतनी जल्दी फ्लावर्स नहीं आ रहे थे, तो अभी ये इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि इसमें फ्लावर्स की ब्यूटी अलग ही ब्यूटी है। ये आप बर्ड्स दिखाना चाहूँगा, ऐसे बर्ड्स बनते हैं इसमें, ऐसे ये इसमें बर्ड्स बनते हैं। देखिए ये पेंसिल की तरह ऊपर उठ के, ये कितना हाइट पे, ये इतनी हाइट इसने ली है फ्लावर ने, इसमें जब फ्लावर बना तो देखिए अब कितना लंबा हाइट है ये पूरी। इस प्लांट की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, बड़े इजी ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये। इजी ग्रोइंग मगर तभी होते हैं जब एक बार ये ग्रो हो जाएं, उसके बाद ये इजी ग्रोइंग होते हैं। जब तक ग्रो नहीं होते तब तक ये इतने, इसकी सबसे पहले तो सॉइल जो है इसकी, ये 100% पोरस चाहिए। देखिए ये 100% पोरस है ये प्लांट जो है। इसको पहली तो रिक्वायरमेंट हमने देख ली कि सॉइल, सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट रहती है सन एक्सपोजर। इसको जो धूप है, इसको अच्छी धूप चाहिए इस प्लांट को भी, कम से कम दिन के 3-4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट इसको प्लांट को चाहिए। और आप इसको उसके बाद शेडिंग भी इसको हल्की, यदि आपने कवर्ड कोई एरिया में रखा है तब भी बड़ा अच्छा ब्लूम कर जाता है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। पानी की रिक्वायरमेंट वही जैसे कैक्टस को रहती है, इसी तरीके से इस प्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है को। जो पानी है, जब भी आपको लगता है कि ये जैसे कि अभी ड्राई है, बिल्कुल ड्राई हो रखा है, तो इस प्लांट को अभी पानी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको पानी भी गर्मी में नॉर्मली ज़्यादा चाहिए इस प्लांट को। टेम्परेचर जो है सर्दी में ये 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अच्छे तरीके से इसको ले लेता है, इससे कम, जब ज़्यादा कम होता है तो प्लांट ख़राब होने का खतरा रहता है, मगर जब कवर्ड एरिया में पड़ा हो तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री भी रहता है सर्दी में। तो ये प्लांट का बेसिक देखिए कि ब्यूटी ही अलग है इसका। आप यदि आप इसकी ये स्किन देखेंगे तो ये भी एक डिफरेंट ही ब्यूटी लिए है, मतलब इटसेल्फ जब तक इस पर फ्लावर भी नहीं आए थे तब भी ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, तो अलग ही एक पहचान लिए है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट्स नहीं मांगते, एक बार आपने सॉइल बना दी है उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दे, या वर्मी कंपोस्ट या अदर जो मैंने दूसरी वीडियोस में बताए हुए ऑलरेडी, तो इनको बाद में इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट, मैं कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बहुत कम डालता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीवीड्स का जो है वो स्प्रे कर देता हूँ, और बहुत कम मेरे को इन प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की लोड पड़ती है। तो ये प्लांट्स का मेन यही रहता है कि पानी की रिक्वायरमेंट, सनलाइट की रिक्वायरमेंट। जब आप सही तरीके से करेंगे तो इन प्लांट्स में कोई फ्लावरिंग को आप रोक ही नहीं सकते, अपने आप प्लांट फ्लावर देते हैं। और एनवायरनमेंट मेनली जो एयर है, खुला एरिया इसको चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। तो और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।